हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सरिता और मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल रियल इंडियन वुमेन किचन में। आज शेयर कर रही हूँ अपना सैटरडे का मॉर्निंग रूटीन, लेकिन वीडियो मैंने एक रात पहले से ही यानी फ्राइडे नाइट से ही स्टार्ट कर दी है। और फिलहाल मेरा जो बहुत सारा मलाई है वो इकट्ठा हो गया था, तो आज मुझे घी निकालना है उसका। तो मैं घर पर मलाई से किस तरीके से घी बनाती हूँ उसकी मैंने डिटेल वीडियो एक बनाई हुई है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, उस टाइम मेरे पास हैंड ब्लेंडर नहीं था, लेकिन अभी मैं आज यूज़ करने वाली हूँ हैंड ब्लेंडर। और उस टाइम मैं हाथों से मत के या फिर मिक्सी में भी मैं कभी कभी घी निकाल लिया करती थी। ये मलाई जो मैंने इकट्ठी की है लगभग 15 दिन की है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप मलाई में दही डाल करके रखते हैं, तो आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र में मलाई को स्टोर कर रहे हैं तो आप एज इट इज़ उसको रख दीजिए, दही डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रिज में स्टोर करते हैं तो आप दही डाल के भी रख सकते हैं। दही डालने से क्या होता है, जो बाद में निकलता है ना इसका पानी, वो मट्ठा की तरह यूज़ किया जा सकता है। और मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं जो इसका पानी निकलता है उससे पनीर बनाती हूँ। तो मेरी जो वीडियो है इसकी डिटेल वीडियो, उसमें भी मैंने यही शो किया हुआ है कि आप घी भी निकालिए मलाई से और उसके बाद उसका पनीर भी बनाइए, और अच्छी खासी क्वांटिटी में पनीर इसका बन जाता है। तो ये लगभग 20 दिन की, 15 से 20 दिन की मलाई होगी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 15 से 20 दिन की मलाई होगी ये। और आज ब्लेंडर यूज़ करने वाली हूँ मैं, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मथानी से भी कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा मिक्सी में हो जाता है, बड़े वाला जो जार होता है ना उसमें डाल करके आप करिए, तो आराम से घी मिनटों में निकल के तैयार हो जाता है। तो अगर आप फ्रीज़र में स्टोर करते हैं मलाई को, तो आप एक दिन पहले ही उसको निकाल करके फ्रिज में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और उसके बाद जब भी आपको मलाई बनानी है तो एक घंटे पहले आप उसको फ्रिज से भी बाहर निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि मलाई थोड़ी ठंडी होनी चाहिए, एकदम रूम टेम्परेचर पे ना हो जाए। थोड़ा जैसे गर्मियों में भी अगर आप निकालते हैं तो मलाई बाहर रख देंगे तो एकदम गर्म गर्म हो जाएगी, वैसे नहीं, ठंडी होनी चाहिए, तभी घी अच्छा निकलता है। नहीं तो आप थोड़ा सा आइस चिल्ड एकदम ठंडे पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पहले तो बिना पानी के इसको अच्छे से ब्लेंड किया है, और कुछ सेकंड में ही इसमें दाने उठने लगते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से व्हिस्क किया है, ताकि जो दाने हैं मक्खन के वो अच्छे से उठ जाएं। और ये ठंडा पानी है, अभी तो फिलहाल मैंने रूम टेम्परेचर का ही पानी लिया क्योंकि पानी ठंडा ही है। अदरवाइज़ अगर ये जो ऊपर से आप पानी डालते हैं तो इसे आप फ्रिज का पानी, जो ठंडा पानी होता है, वो यूज़ करेंगे, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छा जो है घी निकल के रेडी होगा। बस 2 से 3 मिनट में यहाँ पे सारे मक्खन के दाने जो है वो बन करके तैयार हो गए हैं। अगर आप हाथ से काम करते हैं तो बहुत मेहनत लग जाती है। सबसे बेस्ट वे है, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करें, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। तो मथना बहुत ज़रूरी है मलाई को, अगर मलाई अच्छी तरीके से मथी हुई नहीं होगी या ठंडी मथी नहीं हुई होगी तो घी कम निकलेगा और जो वेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो मैक्सिमम घी अगर निकालना है तो मलाई को बहुत अच्छी तरीके से मथना बहुत ज़रूरी है। और ये जो वेस्ट बाद में पानी बचता है, ये वेस्ट नहीं जाता है, इसका मैं पनीर बनाती हूँ। तो ये कैसे कैसे मैं बनाती हूँ आप देख लीजिएगा वीडियो में, यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। और अब ये जो मक्खन बना हुआ है इसको मैं एक बार वॉश कर लूँगी। तो अगर आपका जो मलाई है वो 1 महीने की आप जोड़ते हैं या 1.5 महीने की, बहुत से लोग बहुत बहुत दिन की जोड़ते हैं, तो अगर 1 महीने की मलाई है तो आप इसको 2 बार कम से कम इस तरीके से पानी से धो लीजिए, ठंडा पानी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 15-20 दिन की मलाई करते हैं तो 1 बार भी धोएंगे तो चलेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 बार धोया है, और धोने के बाद थोड़ी सी साफ साफ सी सफ़ेद सफ़ेद सा जो मक्खन है वो हो जाता है। तो बस इसको उसी तरीके से मैं सारा मक्खन जो है फिर से पानी में से निकाल लूँगी, और इसको मैं डायरेक्ट अब जिस पैन में मुझे बनाना है घी उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो
ये हमारा एकदम सफ़ेद सफ़ेद मक्खन बन के रेडी है। अब आँच जला देंगे हम, मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाते रहना है, और ज़्यादा तेज भी नहीं करना है, नहीं तो कढ़ाई जल सकती है साइड साइड से, इसीलिए मीडियम हाई फ्लेम पे करना है जब तक कि घी सारा नहीं अलग हो जाता। तो यहाँ पे देखिए हमारा घी जो है वो सेपरेट होने लगा है। मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, थोड़ा सा और पकाऊँगी उसके बाद बंद कर दूँगी। और इसमें से मैक्सिमम घी निकला है जितना निकल सकता था, बहुत कम वेस्ट निकला है। मुझे लगता है ये घी जो है आधा किलो से ऊपर होगा, और अभी दिखाऊँगी आपको क्वांटिटी की, कितना क्वांटिटी में निकला है। तो यहाँ पे देखिए घी बन चुका है, गैस मैंने ऑफ कर दी है। पीछे मैंने यहाँ पे पनीर भी बना लिया था, तो सिंपल उस पानी में मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है, और उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें से पनीर निकलता है, और ये खाने में भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि इसका स्वाद खराब होता है, तो ये पनीर बहुत अच्छा बनता है। इसको छान करके अच्छे तरीके से धो करके 2-3 पानी से फिर आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, और जब बनाना है आप बना सकते हैं। यहाँ पे जब घी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है क्योंकि सर्दियाँ है ना, फिर जम जाएगा वो कढ़ाई में, फिर गर्म करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा जैसे ही ठंडा हो जाए, आपके हैंडल करने लायक हो जाए, समय बस ट्रांसफ़र कर लेना है इसको साफ़ सुथरे जार में। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में निकला है, और ये जो इसका अभी वेस्ट निकल रहा है ना, ये वाइट वाइट पीछे, ये भी चीनी डाल के खाने में बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो आप इसके पराठे बना लीजिए, और चाहे तो आप इसे इसी तरीके से चीनी डाल के खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, अच्छा तो लगता है। खाते जाओ तो पूरा खा जाओ, हस्बैंड को बहुत पसंद है तो उनको मैं कटोरी में चीनी डाल के दे देती हूँ, तो उनका डिज़र्ट टाइप का हो जाता है ये। यहाँ पे देखिए इतना सारा घी निकला है, आधा किलो से ऊपर है ये घी, और यहाँ पे निकला है ये 1 कटोरी से थोड़ा कम पनीर। और हो गई है यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग, तो दोबारा से गुड मॉर्निंग सबको। अभी सैटरडे मॉर्निंग हो रहा है, और एक्चुअली आज मेरा प्लान था सुबह घी निकालने का, लेकिन कल क्या हुआ, मैंने सब्जी वगैरह सब काट के रखी, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा मैं घी बना रही थी, सारी सब्जियां रखी हुई थी। अचानक से बाहर से खाना आने का मूड बन गया था, इसीलिए वो सब्जियां सारी कटी रखी रह गई, और बाहर से हम लोग ने खाना खा लिया था। वो सारी सब्जी मैं आज बनाने वाली हूँ, वो कैसे बनाती हूँ उसी की रेसिपी मैं शेयर करूँगी। और फिलहाल यहाँ सुबह सुबह की जो एक होती है ना सुस्ती, वो दूर की जा रही है, और सैटरडे संडे ही सुबह सुबह की सुस्ती दूर करने का टाइम होता है। अदरवाइज और दिन तो उठते के साथ ही 10 मिनट बैठो और उसके बाद सीधा किचन में लगना पड़ता है। तो कई सारे लोग मुझसे मेरी कैटल के बारे में पूछ रहे थे, तो ये जो कैटल है ये बजाज का है, और ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना मैं कहूँगी सिद्धार्थ के बर्थ के टाइम से है, या उसके 1-2 साल बाद से, मतलब 6 साल, लगभग 6 साल तो हुए गए होंगे इस कैटल को। मैंने सर्च करने की कोशिश की थी तो सिमिलर एकदम एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला, लेकिन बजाज इससे सिमिलर प्रोडक्ट और भी कई जो प्रोडक्ट हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है। तो जो भी आपका क्वेश्चन आता है ना यूटेंसिल्स को लेके या किचन के किसी भी आइटम को लेके, एक बार आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए। अगर आपको उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक नहीं मिलता है तब आप मुझसे पूछा कीजिए, बिकॉज मैंने मोस्टली सारी चीज़ों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो कैटल का भी लिंक है, आप लोग जाके एक बार चेक कर लेना। मेरी तो ये कैटल बहुत अच्छी है, बहुत टाइम से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, पानी गर्म करने के लिए भी, और जब स्टीम वगैरह किसी को लेना होता है तो वो भी इससे बहुत अच्छे और बहुत ही सेफ तरीके से ली जा सकती है। हमें तो बहुत पसंद है, बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है, इतने सालों से चल रहा है। तो आप लोग बजाज का भी प्रोडक्ट देख सकते हैं, और सिमिलर काइंड ऑफ बहुत सारे कैटल्स मिलते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आजकल हम पी रहे हैं मसाला चाय,
और ये किसी कलीग ने हस्बैंड को गिफ्ट किया था, उन लोग को पसंद था तो लाके दिया था टेस्ट करने के लिए। इसका बिल्कुल मुझे ब्रांड याद नहीं, मैंने इसको जो है इसमें फिल कर लिया और उसका जो ऊपर का बॉक्स था वो मैंने थ्रो कर दिया, मुझे बिल्कुल भी ये ब्रांड याद नहीं है। और जब टेस्ट की चाय तो काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर जो गुलाब के पत्ते होते हैं, दालचीनी, सौंफ, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। मैं क्लोजली दिखा दूंगी और अगर मुझे पता चल पाया तो मैं ब्रांड आपको पता करके ज़रूर बताऊंगी, काफ़ी अच्छी चाय है ये। और इतनी अच्छी चाय की शक्ल थी लेकिन उसमें चीनी नहीं थी, मैं चीनी डालना भूल गई थी तो अभी ऊपर से चीनी डाल के हम लोग पी रहे हैं। और सैटरडे संडे की ये मॉर्निंग वाली रिलैक्सिंग गपशप बहुत अच्छी लगती है। सैटरडे मतलब हस्बैंड तो ऑफिस रहता है उनका, मंथ में मतलब सेकंड और फोर्थ छुट्टी होती है लेकिन फिर भी एक होता है ना रिलैक्स रहते हैं क्योंकि सिद्धार्थ का स्कूल नहीं होता है। जब सिद्धार्थ का स्कूल होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा हड़बड़ दड़बड़ हो जाती है मॉर्निंग में। तो फिलहाल बहुत आराम से तसल्ली से चाय वगैरह पीने के बाद, बातचीत करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और जो सब्जियाँ मैंने कल कट करके रखी थी जो मैं कल नहीं बना पाई वही सब आज बना रही हूँ। तो मेरे को सब्जी काटने का भी चक्कर नहीं था सुबह में, तो आज मैं बना रही हूँ सोया आलू और हरी जो प्याज होती है उसकी सब्जी या भुजिया, आप समझ लीजिए सब्जी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें कोई मसाला वगैरह कुछ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सादे और सिंपल से छौंके जाते हैं। तो अगर आप खाली आलू और हरे प्याज बनाओ तो वो भी सिंपल छौंके जाते हैं और आलू और सोया भी सिंपल छौंका जाता है। तो सोया सभी लोगों को पसंद नहीं आता है, बहुत कम लोगों को पसंद आता है पर जिसको पसंद आता है उसको काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमें बहुत पसंद है आलू सोया और घर में सभी लोग खा लेते हैं अच्छे से। तो मैं ये तीनों चीज़ें आज मिक्स करके बनाने वाली हूँ। तो सरसों के तेल में बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है जीरा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च, आप लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखी मिर्च जो होती है। और सबसे पहले मैं इसमें आलू भून लूँगी। तो मेरा हमेशा रहता है जब भी मैं कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल के साथ में आलू बनाती हूँ, चाहे वो आलू पालक हो, आलू बथुआ हो, आलू मेथी हो या फिर आलू और हरे प्याज, इस तरीके से सबसे पहले आलू डाल के थोड़ी देर भून लें तो उससे क्या होता है आलू का स्वाद भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो भुने भुने से होते हैं, नहीं तो एक बॉयल बॉयल जैसा उनमें फ्लेवर आता है वो अच्छा नहीं लगता अगर सारी चीज़ें आप एक साथ डाल दो। तो मैं हमेशा पहले आलू भूनती हूँ। तो आलू हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर जो है एक लेयर जो है उनकी वो सील हो जाए अच्छे से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी भी हमें सीधा आलू में ऐड करनी चाहिए, अगर आप पहले साग डाल दोगे उसके बाद ऊपर से हल्दी डालोगे तो फिर आलू में उनका कलर नहीं आता है। तो अगर आलू में एक येलो कलर आपको लेकर के आना है तो आप पहले आलू डालें, उनको भूनें, उसके बाद उसमें हल्दी ऐड करें और उसके बाद जो भी साग आप उसके साथ बनाना चाह रहे हैं उसको आप डालें। तो आलू के अंदर साग पड़ने के बाद भी येलो कलर रहता है, आलू येलो येलो से लगते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये हरे प्याज, और प्याज बहुत महंगे हैं, मुझे लगता है यही प्याज सस्ते होंगे, अगर फ्लेवर अच्छा चाहिए तो यही प्याज ला के रखो, इसी का इस्तेमाल करो क्योंकि वो वाले प्याज तो बहुत महंगे आ रहे हैं। अभी मैं तुरंत इसमें नमक नहीं डालूंगी, कुछ देर बाद नमक डालूंगी, अभी बस हल्का सा मैंने इसको ढक करके रख दिया है ताकि सारा जो ये प्याज है थोड़े से रिड्यूस हो जाए क्योंकि हमें इसके अंदर सोया भी ऐड करना है अभी। और अब ये ऐड कर दिया है सोया, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आया था तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैंने ये फर्स्ट टाइम आज ट्राई किया था, मैं हमेशा आलू सोया अलग या आलू और हरा प्याज अलग अलग बनाती थी पर इन तीनों को मिक्स करके मैंने बनाया और बहुत अच्छा स्वाद आया, आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। इसमें कोई भी तरीके का मसाला या टमाटर वगैरह कुछ भी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मतलब खाली हल्दी मिर्च और नमक रहता है इसमें, बाकी बनाने की टेक्निक थोड़ा भुनना उनना वो रहता है, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। ब्रेकफास्ट में स्पेशली पराठे के साथ में, मॉर्निंग में चाय और पराठे के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं।
अब मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी, अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और बस इसको कुछ मिनटों के लिए और पकाना है और ये रेडी हो जाएगी सब्जी। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं यहाँ पे भिगो रही हूँ पोहा। और यहाँ पर हमारी आलू सोया और हरे प्याज की जो भुजिया है वो बन करके रेडी हो चुकी है। कोई भी पत्तेदार सब्जी जब भी आप बनाएं तो उसके पकने से मतलब 90% जब आलू वगैरह डन हो जाएं तो उस टाइम फ्लेम को हाई करके आप इसको भूने ज़रूर। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और नीचे जो लग जाता है ना हल्का हल्का चिपकता रहता है उसको कुरचते रहें तो उससे जो सब्जी है या भुजिया में फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़रूर करें और देखिए आपकी सब्जी का जो फ्लेवर है ना वो कितना चेंज होता है। तो सब्जी को भूनना बहुत ज़रूरी है जब वो पक जाए उसके बाद हाई फ्लेम पे। तो अभी मैंने वही किया और सब्जी मेरी बिल्कुल रेडी है। और अब बारी आती है गर्मा गर्म रोटियाँ सेकने की। तो ये है हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, उनको यही खाना था क्योंकि पोहा उन्होंने मना कर दिया कि तुम लोग बाद में बनाते रहना, मुझे यही दे दो खाने के लिए। तो अपना ब्रेकफास्ट किया, उनका टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया है और वो ऑफिस के लिए निकलेंगे। फिर सिद्धार्थ को उठाऊंगी और बाकी के जो दिन के काम है स्टार्ट कर दूंगी। मशीन ऑलरेडी मैं यहाँ पे बीच में उठ करके लगा चुकी थी तो कपड़े एक तरफ मेरे धुल रहे हैं अभी इस टाइम। अरे गुड मॉर्निंग तो बोल दो बेटा सबसे। नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे क्यों? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो रही है 9:30 बजे। टाइम हो गया है 9:30, ये 10 मिनट आ गया तो 9:30 हो रहा है। और धूमधड़ाम इसलिए मची हुई है क्योंकि काम चल रहा है किचन में, बर्तन धुलाई हो रही है और मैं करने जा रही हूँ घर की सफाई, थोड़ा सा मतलब साफ सुफ कर लूँ, बेड बना दूँ और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। हालत तो देखो मेरी ज़रा बहुत ख़राब हो रही है तो उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मैंने पोहा भिगो करके रखा है तो पोहा बनाना है सिद्धार्थ के लिए। बहुत दिन हो गए पोहा नहीं बना, जो हमने गांव में पोहा खाया था सबके साथ उसके बाद दिल्ली आके मैंने पोहा बनाया ही नहीं। तो अभी बनाऊंगी, पोहा भिगो करके रख दिया ऑलरेडी। और चलो पहले बैठ कर लेते हैं तैयार।
मैं पायलट तो और तब प्लेन चला था। ये तुम्हारा प्लेन है? हाँ, वो भी क्रैश होने वाला है। मेरा ट्राइपॉड है, वो खराब हो जाएगा। होने दो, चलो वो देखो। गर्मा गर्म पोहा तुम्हें आवाज लगा रहा है। लैंड हो गया प्लेन। चलो भैया, चलो जल्दी से लग गई। देखो इसका मतलब होता है 30, इसका मतलब होता है 0, और इसका मतलब होता है बंदा, इसका मतलब होता है अच्छा। तो क्या है ये? तो ये है रिव्यू आज के खाने का। ये बहुत ही गंदा बना है। और गंदा क्यों बन, गंदा क्यों बना है मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसमें है सब्जियाँ, है ना। हाँ, पर ये तुम्हें खाना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है इससे बचने का। देखो अलग से कितना धुआं निकल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो सिद्धार्थ। तो अभी मुझे टाइम मिला है आप लोगों से बात करने का। सुबह से बिजी, आज है सैटरडे और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है सैटरडे के दिन एक्चुअली, क्योंकि पहली बात तो बच्चे लोग घर पे होते हैं तो ये पूरा ऑक्यूपाइड करके रखते हैं, इनके भी काम होते हैं, नहलाना धुलाना। सुबह सुबह आप करके निकाल दो तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर घर पे रहते हैं तो धीरे धीरे आराम आराम से काम होता रहता है। फिर बच्चे ना थोड़ा इंगेज करके भी रखते हैं। फिर इसकी स्कूल ड्रेस थी जो मुझे वॉश करनी थी, घर के भी कुछ कपड़े थे तो मशीन लगाई, इसके शूज़ वगैरह स्कूल के वॉश करके रखने होते हैं आज। तो वो सारा काम करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है। सिद्धार्थ को मैंने नहला के लगभग एक घंटे पहले बिठा दिया था पढ़ने के लिए, अभी वो एक घंटे से पढ़ रहा है। मैं अभी अभी नहा के आई हूँ, अपना पोहा लेकर के आई हूँ यहाँ पे, और इसके लिए लाई हूँ ये एप्पल। तो सिद्धार्थ एप्पल खा रहा है, मैं पोहा खाऊँगी और इसको अभी एक घंटा मैं और पढ़ाऊँगी 2 आवर्स तक, क्योंकि इसको होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला है। और संडे के दिन जब पापा घर पे रहेंगे तो ये पढ़ने वाले तो हैं नहीं, तो इसीलिए सारी पढ़ाई लिखाई मैं आज ही करके इसकी छुट्टी करूँगी। मुझे भी दो थोड़ा रजाई। सिद्धार्थ एकदम रजाई में ना गुड़मुड़ करके बैठा हुआ है, बिकॉज नहाने के बाद ठंडी लगती है। थोड़ा उधर हो जाओ बेटा। मैंने अभी ना पहाड़े रंग किए, पहाड़े टेबल्स, बहुत पहाड़े, बड़े बड़े पहाड़े हैं ना, पहाड़े टेबल्स। मैं पहाड़े, किसने बताया कि पहाड़े बोलते हैं उनको? मासी ने मासी ने बताया ना, वैसे तुमको पहले मालूम नहीं था कि पहाड़े बोलते हैं। ओ, वीडियो नहीं है मा। बुद्धू बनाने वाले काम शुरू कर दिए इसने। तो मैंने वीडियो को एंड नहीं किया था, आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत भी नहीं की थी, तो मैंने सोचा फेस टू फेस बातचीत भी कर लेते हैं और वीडियो को एंड कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पढ़ाई वढ़ाई चलेगी, उसके बाद मैं लंच बनाने जाऊंगी। तो सुबह जो मैंने बनाया था आलू और सोया और प्याज, हरे प्याज की सब्ज़ी, वो रखी हुई है। राइस खाओगे आप? आज सैटरडे, आज खिचड़ी बनाऊँगी मैं। यस, खिचड़ी खानी पड़ेगी, वो भी सब्जी के साथ। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और अभी मेरे दोपहर के भी बहुत सारे प्लान हैं, कुछ अच्छा सा बनाने जा रही हूँ, तो वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। फिलहाल ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है? देखती हूँ मैं, फिलहाल ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय बाय।